गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल्स का टॉपिक रीड कर रहे हैं। तो कल मैंने ए और एम का यूज़ बताया था और आज भी हम ए और एम पर ही डिस्कस करेंगे। मैंने ऊपर लिखा है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ए एम। देखो, अंग्रेजी में नाउन का पहला अक्षर यदि वाउल ए ई आई ओ यू है और उसका हिंदी में उच्चारण करते समय यदि ध्वनि व्यंजन की निकलती है तो उस नाउन से पहले हम ए ही लगाएंगे। देखो, मैंने पहले लिखा था कि संज्ञा का यदि पहला अक्षर व्यंजन होता है तो उसके सामने हम ए लगाते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, लिखा था, आपको ने होमवर्क भी किया है कि अंग्रेजी में जब किसी संज्ञा का पहला अक्षर व्यंजन आदि हो तो एक के लिए, उस वस्तु या व्यक्ति के लिए के पहले हम ए लगाते हैं। लेकिन यहाँ भी मैंने वही बात बताई है जैसे आप देखो, और ये बताया था कि वाउल से पहले हम एन लगाते हैं और आज हम मैं एन का ही बता रही हूँ, ए और एन का ही, कि अंग्रेजी में नाउन का पहला अक्षर यदि वाउल होता है और उसका हम यदि उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय यदि ध्वनि व्यंजन की निकलती है तो उस नाउन से पहले हम ए ही लगाएंगे, क्योंकि हमने उसका उच्चारण किया और उच्चारण करके हमने उसको देखा कि उसमें जो फर्स्ट लेटर हमारा वाउल है उसकी ध्वनि कैसी निकल रही है, व्यंजन की या फिर स्वर की। अगर वाउल है और उसकी ध्वनि व्यंजन की निकलती है तो हम उसके सामने ए को ही यूज़ करेंगे, एक के लिए ए ही लगाएंगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है, ए यूरोपियन। देखो, यूरोपियन, यूरोपियन ये ई से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है और इसकी जो ध्वनि है वह यू, यह की आवाज़ आ रही है, यूरोपियन, यह की आवाज़ निकल रही है, यह की, तो यह क्या है, व्यंजन है और इसे पहले हमने एक को यूज़ किया है। ऐसे ही यूनियन, यू एन आई ओ एन, यूनियन, यूनियन, यू जो है वो अपने आप में एक बाउल है लेकिन हमने जब इसका उच्चारण किया तो उच्चारण करते समय इसकी ध्वनि व्यंजन की निकल रही है, यू, यह वर्ण की ध्वनि निकल रही है और यह क्या है, अपने आप में एक व्यंजन है। तो हमें ऐसे शब्दों को उच्चारण करके देखना है और उच्चारण करते समय यदि वाउल है और उसकी उच्चारण ध्वनि यदि व्यंजन निकल रही तब उसके सामने ए को ही यूज़ करेंगे। ये डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है। इनमें ये दोनों शब्द वाउल से शुरू हो रहे हैं, देखो, लेकिन उच्चारण करते समय ध्वनि व्यंजन की निकल रही है इसलिए ऐसे शब्दों के साथ ए का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी में नाउन का पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट बी डी एफ वगैरह यानी कि व्यंजन है और उसका उच्चारण करते समय ध्वनि यदि स्वर की निकल रही है। अब यही नहीं कि जैसे भाई ना किसी भी वर्ड का पहला लेटर व्यंजन हो तो हम उसके सामने ए लगा देते हैं, जैसे कि मैंने पहले लिखा था कि उसके सामने हम ए लगा देते हैं, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है कि हम उसका उच्चारण करके देखेंगे और उच्चारण करते समय यदि व्यंजन की ध्वनि निकल रही है तो हम ए ही लगा देंगे, यदि ध्वनि उसकी स्वर की निकल रही है तो हम चाहे वो क्यों ना व्यंजन से ही स्टार्ट क्यों ना हो, व्यंजन लेटर से ही स्टार्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर ध्वनि स्वर की निकल रही है तो हमें उसके सामने एन यूज़ करना होगा। और ये आपको मतलब रीड करना होगा कि ज़रूरी नहीं कि ए से स्टार्ट, सॉरी, वाउल से स्टार्ट हो तो हम एन ही लगाएं, उसके सामने ए भी लग सकता है, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो उसके सामने हम ए लगाएं। तो हमें उसको उच्चारण पर दबाव देना है, उच्चारण का ध्यान रखना है, उच्चारण जिस चीज़, उच्चारण यदि स्वर का है तो एन लगा देंगे और उच्चारण यदि व्यंजन का है तो ए लगा देंगे। थैंक यू।